औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलामा इकबाल पब्लिक प्राइमरी स्कूल कसूर, क्लास 5। स्टूडेंट्स, आज हमारा 4 वाला लेक्चर है और 4 लेक्चर नंबर 4 में हम अपने क्वेश्चन 16 से स्टार्ट करेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज मैटर, मादा क्या है? मेंशन द स्टेट्स ऑफ मैटर और मादा की हालतें बयान करें। Anything which occupies space and has mass is called matter. कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है और हुजम रखती है उसे हम matter कहते हैं। The states of matter are, students matter की 3 states होती हैं, ये आपने याद रखना है और ये MCQs में भी आता है। तो इसके states के आपको नाम आने चाहिए और आपको पता होना चाहिए states कितनी होती हैं। नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड, नंबर 3 गैस। क्वेश्चन 17 देखते हैं। व्हेन डज सॉलिड चेंज इट्स स्टेट, वो पूछ रहे हैं कि जो सॉलिड होती है, जो ठोस चीज़ होती है, वो अपनी हालत कब चेंज करती है। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि जो सॉलिड चीज़ होती है उसे हीट करने से वो अपनी स्टेट चेंज कर लेती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक आइस क्यूब लेते हैं, एक बर्फ़ का टुकड़ा लेते हैं, बर्फ़ लेते हैं, और अगर हम उसे हीट अप करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाएगी? लिक्विड में। तो इससे क्या हुआ, सॉलिड चेंज किस में होगी? लिक्विड में। आंसर देखते हैं। सॉलिड चेंजेस इट्स स्टेट व्हेन इट इज़ हीटेड, जब उसे गर्म किया जाता है तब ये अपनी स्टेट चेंज कर लेती है। क्वेश्चन 18 देखते हैं। डिस्क्राइब व्हाट हैपन व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, वो पूछ रहे हैं कि क्या होता है, इसकी वजाहत करें कि जब सॉलिड को गर्म करते हैं तो क्या होता है। आंसर देखते हैं। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब एक ठोस चीज़ को गर्म किया जाए, फॉर एग्जांपल पानी ही बर्फ़ ही ले लें, जब बर्फ़ को गर्म किया जाए तो इसके पार्टिकल क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं बहुत तेज़ी से आपस में। इट्स पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर, तेज़ी से मूव करना शुरू हो जाते हैं। स्पेस बिटवीन दैम, उनके दरमियान जो स्पेस होती है, जो जगह होती है, इंक्रीज वो बढ़ जाती है। उन कंटिन्यूस हीटिंग, मुसलसल हीट देने से क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस, जो सॉलिड सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स होते हैं, वाइब्रेट फास्टर एंड फास्टर, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में ज़ोर ज़ोर से टकराना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन 19 देखते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग, स्टूडेंट्स ये आपको बताया हुआ है कि जब भी डिफर है या डिफ्रेंशिएट है, आपने सेंटर में लाइन लगा के उसको सोल्व करना होता है, क्वेश्चन लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग, मेल्टिंग और फ्रीजिंग में फ़र्क बताएं, ठीक है। एक साइड पे आपने मेल्टिंग लिख लेना, दूसरी साइड पे फ्रीजिंग लिख लेना। मेल्टिंग, द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इन टू इट्स लिक्विड स्टेट ड्यू टू हीट इज कॉल्ड मेल्टिंग। वो कह रहे हैं कि अगर हम किसी सॉलिड चीज़ को गर्म करें तो वो लिक्विड में चेंज हो जाए, इसका मतलब वो मेल्ट हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बर्फ़ लें, बर्फ़ को अगर नीचे से हीट देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में, ठीक है, वो मेल्ट हो जाती है। फ्रीजिंग देखते हैं। द चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर इन टू इट्स सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। वो कह रहे हैं किसी भी आप लिक्विड चीज़ को लें, फॉर एग्जांपल पानी को लें, और पानी को अगर आप फ्रिज में रख दें तो वो ठंडक की वजह से फ्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन 20 देखते हैं। व्हाई डज एन आइस क्यूब मेल्ट एट रूम टेम्परेचर, जो आइस क्यूब्स होते हैं, जो बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो रूम टेम्परेचर पर कैसे मेल्ट हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है हमारे जो इर्द गिर्द माहौल है उसमें हीट रहती है, ठीक है, थोड़ी और ज़्यादा हो लेकिन रहती ज़रूर है। तो इसी वजह से जो आइस क्यूब है वो सराउंडिंग से हीट ले लेगा, अब्जॉर्व कर लेगा, तो वो मेल्ट हो जाता है। आंसर देखते हैं। एन आइस क्यूब मेल्ट, एंड एक जो आइस का टुकड़ा, जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है, वो पिघल जाता है एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू हीट, हीट एनर्जी की वजह से, अब्जॉर्व बाय द आइस क्यूब फ्रॉम सराउंडिंग, क्योंकि वो अपने इर्द गिर्द की वजह इर्द गिर्द से हीट अब्जॉर्ब कर लेता है। स्टूडेंट्स, आपने ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह रीड करने हैं, लर्न करने हैं और इन्हें लिखना भी है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।